टाइगर श्रॉफ आज बॉलीवुड के एक्शन किंग कहलाए जाते हैं। उनकी फिल्में धमाकेदार और एक्शन से भरपूर होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म आई थी तो उनका लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती से बॉलीवुड की फिल्मों में अपना डेब्यू किया था और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उनके लुक्स की लोगों ने जमकर आलोचनाएं की। यहां तक लोगों ने टाइगर को गे तक कह दिया था। लेकिन टाइगर श्रॉफ ने हार्ड वर्किंग की और अपनी बॉडी को काफी बेहतरीन और लाजवाब बनाया और जब उन्होंने बागी फिल्म साइन की तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। बागी के रिलीज होने के बाद उनके लुक्स को देखकर लड़कियां फिदा हो गई, साथ ही लड़के भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगे। और जब उनकी बागी 2 आई तब उसे देखकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी उनके एक्शन के कायल हो गए। पहली फिल्म से लेकर और अब तक टाइगर ने अपने लुक्स पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है और अपने लुक्स और बॉडी को काफी ज्यादा मेंटेन किया है। पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ का मजाक बनने के बाद आज वो बॉलीवुड के नए किंग कहलाए जाते हैं और फैंस भी उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल टाइगर श्रॉफ की अगर फिल्मों की बात करें तो टाइगर श्रॉफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी दिखाई देगी।